हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस टाइप के क्वेश्चन को या नेमिंग से आने वाले डैट इज सिस या ट्रांस कौन होंगे या ई जेड क्या होगा, राइट? नेमिंग ई का मतलब होता है एंटीजेन, उसका पहला लेटर लिया गया है। जेड का मतलब होता है जूशामैन, जिसका पहला लेटर जेड लिया गया है। या सिन एंटी नेमिंग कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, या नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाइक किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कौन पोलर होंगे कौन नॉन पोलर होंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप ईजिली कर लोगे। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो डैट इज एक्चुअली में स्टीरियो आइसोमर या कन्फिग्रेशनल आइसोमर का एक पार्ट है ये। डैट मीन्स स्टीरियो आइसोमर बोलो या कन्फिग्रेशनल आइसोमर बोलो, ये दोनों एक ही बात है। और ये जो है वो दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। जो आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ ज्योमेट्रिकल के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझो कि स्टीरियो आइसोमर या कन्फिग्रेशनल आइसोमर में क्या होगा, सबका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा। जब तक मॉलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होगा हम इसकी बात ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उसका आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा। तो डिफरेंट क्या होगा सर? डिफरेंट ओनली लोकेशन होगा। लोकेशन किसका? तो जो भी एटम या ग्रुप होंगे उसका डिफरेंट लोकेशन होगा स्पेस में, तो हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर या कन्फिग्रेशन आइसोमर। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन है सर? तो उसके लिए कंडीशन यह है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पे हो सकते हैं? जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वहाँ पे जीआई के चांसेस हैं, और जहाँ पे रिंग हो वहीं पे आपको चेक करना है। यही दो जगह पे पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इसमें जो डिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है, जिसको मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल से समझाया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अगर डिस्टेंस मैं मेज़र करूँ, सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर आता है, तो देखो यही सेम मॉलिकुलर फार्मूला है, सेम आईयूपीएसी नेम, सब कुछ सेम है, बट अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है डेफिनेटली 1 से ज़्यादा होगा। तो डिफरेंट डिस्टेंस हो गए, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो रहा है तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही नहीं है, ये डिफरेंट है, डैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, राइट? तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बताऊँगा। नाउ ट्रिक्स फॉर GI आइडेंटिफिकेशन। तो GI दो जगह शो हो सकते हैं, डबल बॉन्ड में। ध्यान दें, डबल बॉन्ड लिखा मतलब डबल बॉन्ड में ही, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन कभी भी GI शो नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या ट्रिक है कि दो एलिमेंट के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जिन दो एलिमेंट के बीच डबल बॉन्ड है उस पर दो ग्रुप लगे होने चाहिए, राइट? और जैसे यहाँ पे सी एंड डी है और इधर ए और बी है, तो कंडीशन इज कि ये जो दो ग्रुप लगे हैं एक ही साइड वाले वो सेम नहीं होना चाहिए। ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, वैसे ही सी डी इक्वल नहीं होना चाहिए। ए सी इक्वल हो सकते हैं, बी डी इक्वल हो सकते हैं। ध्यान रहे, डबल बॉन्ड के एक ही साइड जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन या जो भी एलिमेंट है, तो वो दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड ये एक्स एंड वाई सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो ये है डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो और एक साथ आ रहे हो कंटिन्यूस में, तो अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ 1 और 2 इवन नंबर है, तो उस केस में कोई GI नहीं होगा, चाहे कोई भी ग्रुप लगा लो। बट अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऑड है क्योंकि 3 है, तो उस केस में अगेन सेम कंडीशन कि ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए एक ही साइड वाले, एंड सी एंड डी इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी GI शो होगा। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर मैं रिंग में बात करूं, तो रिंग में क्या ट्रिक है कि रिंग में दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ध्यान दें, दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जिन दो कार्बन पे हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यह भी क्लियर होना चाहिए, sp3 होना चाहिए जिन दो कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है। और अगेन ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, सी एंड डी इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये GI शो करेंगे। अगेन एक से ज़्यादा रिंग अगर कंटिन्यूस आ रही हैं, तो अगेन इवन होंगी तो GI शो नहीं करेगा, राइट? अगर ऑड होगा तो GI शो करेगा। कंडीशन अगेन CD इक्वल नहीं होना चाहिए, AB इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एक पॉइंट ध्यान देना है कि जैसे ये तो शो नहीं करेगा, अगर मान लीजिए कि ये AA हो गया तो, राइट? बट द थिंग इज कि जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, तो ध्यान से देखो, ये CH3H है,
तो ये ए नॉट इक्वल टू बी है, ये एच एच है, सी इक्वल टू डी हो गया, तो इसकी वजह से सो नहीं होगा। बट ध्यान से देखो तो ये वाला कंडीशन लग रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, ये सी एच थ्री है, ये कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन भी तीन बॉन्ड बनाया तो एक बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन, तो ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, तो इसकी वजह से शो हो जाएगा। तो इसलिए आपको हर तरीके से सर्च करना है, तो यहाँ पे जी आई शो होगा, यहाँ की वजह से नहीं होगा ये दो कॉर्नर वाले ग्रुप की वजह से, लेकिन इसकी वजह से हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखना है, किसी भी एक की वजह से अगर हो गया तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जी आई शो करेंगे। तो अब मैं इस पर बेस्ट एप्लीकेशन की बात करता हूँ। नाउ एप्लीकेशन, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन जी आई शो करेगा या नहीं। तो ध्यान से देखो, ये पहले वाले को अगर मैं चेक करूँ तो ये दोनों क्या हो गया, हाइड्रोजन दोनों सेम हो गया, राइट, तो ये जी आई शो नहीं करेगा। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये सी एच थ्री है, इधर कुछ नहीं है, तो एच बाय डिफॉल्ट कार्बन चार बॉन्ड बनाएंगे, तो जो नहीं दिखाया होगा वो हाइड्रोजन होगा, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हो गए मिथाइल हाइड्रोजन, ये भी डिफरेंट हो गए मिथाइल हाइड्रोजन, एक ही साइड सेम नहीं होना चाहिए, तो ये जी आई शो करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सी एच थ्री और एच डिफरेंट हो गए, राइट। यहाँ पे क्या होगा सर, तो ओ एच तो है और इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो ये दोनों भी डिफरेंट हो गए, लोन पेयर भी डिफरेंट काउंट किए जाते हैं, तो ये शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे और हाइड्रोजन, डिफरेंट हो गए, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और हाइड्रोजन, ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये शो करेंगे, और डबल बॉन्ड है, बस ऐसे आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो सी डबल बॉन्ड सी है, इधर आप देखें तो ऑक्सीजन आ रहा है, इधर देखें तो कार्बन, ये डिफरेंट हो गया, बस ऐसे आपको थिंक करना है। इधर भी ऑक्सीजन कार्बन तो डिफरेंट हो गए, तो इस साइड भी डिफरेंट है और इस साइड भी डिफरेंट है, तो ये जी आई शो करेंगे। सिक्स में अगर आप ध्यान से देखो तो ये सी डबल बॉन्ड सी हो गए, राइट, इधर जाओगे तो कार्बन पे मिथाइल, इधर कार्बन पे, तो ये सेम हो गए, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से तो शो नहीं करेगा, क्योंकि इधर जो है ग्रुप वो सेम हो चुके हैं। बट अगर ध्यान से देखो सिर्फ इस रिंग की वजह से कंसीडर करें तो दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, sp3 है, राइट, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो शो कर जाएगा रिंग की वजह से, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जी आई शो करेगा। सेवन में एक ही कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूशन है, और बाय द वे दोनों सेम भी है, डिफरेंट भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसलिए ये शो नहीं करेंगे। अगर सपोज करो कि इस टाइप से आपको देता ये डबल बॉन्ड ऐसे, तो क्या ये शो करेगा, तो नहीं करेगा, क्यों, दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हमें क्या चाहिए sp3 वाला, तो ये भी शो नहीं करेगा। ये शो करेगा अगर ऐसा करके दे दिया तो यस ये शो कर देंगे, क्यों, दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है और दोनों sp3 है, राइट, इधर डबल बॉन्ड है चलेगा, जो दिन दो कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है वो sp3 होना चाहिए, तो ये शो कर देंगे। तो इस टाइप से आपको समझना है। सिमिलरली एट में ध्यान से देखो तो ये तीन पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं और ए नॉट इक्वल टू बी है, सी नॉट इक्वल टू डी, इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये शो कर जाएंगे। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं इवन वाले, तो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जी आई शो नहीं होगा। इसी को ऐसे भी पूछ सकता है रिंग लगा करके, ध्यान दो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं CH3, 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 तो ये रिपल्सन की वजह से ये रिंग इस प्लेन में होगा, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे होंगे और फिर ये इसी प्लेन में होगी, तो डैट मीन्स ये और ये एक प्लेन में होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 का डिफरेंस और यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 का डिफरेंस अभी ऐसे है, डैट मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन कि कम डिस्टेंस है। अगर मैं इसको सिर्फ इंटरचेंज कर दूं तो डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, मतलब जी आई शो करेगा। तो अगेन वही पॉइंट हो गया, तीन रिंग अगर और उस पर बल्कि ग्रुप लगे हो तो फिर ये इसी टाइप का कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे ये जी आई शो करेंगे, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, राइट, और डिफरेंट है, दूसरा कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, तो ये शो करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड, ये इधर एक ग्रुप एक हाइड्रोजन होगा, ये इधर एक ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो ये शो करेंगे। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है बट ये दोनों मिथाइल मिथाइल सेम हो गए, तो ये शो नहीं करेगा। तो आपको इस तरीके से चेक करना है, आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने ये एक कंडीशन लिया, राइट, तो ये एक्चुअली में ऐसे होंगे, ये बॉन्ड इस प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, फिर ये उसी प्लेन में आएंगे। तो आप देख सकते हो तो ये जो और ये जो है दोनों जो सामने वाले, इन दोनों का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ तो डिस्टेंस चेंज होगा, राइट,
तो इसीलिए जब तीन या ऑड नंबर में पाई बॉन्ड एक साथ आएंगे तो वहाँ पे जीआई पॉसिबल है। दो होगा तो क्या डिस्टेंस होगी, तो ध्यान से देखो ये दो वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की भी है। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूँ तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए इवन नंबर वाले में आपका जीआई पॉसिबल नहीं होता है। यही कंसेप्ट आप यहाँ भी लगा सकते हो, यही कंसेप्ट रिंग वाले में प्रैक्टिकल फिजिक्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेमिंग, तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के 180 पे एंटी पे आ रहे हैं ट्रांसपोजिशन पे, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। किसी भी एक से आपको पता लग सकता है, जैसे यहाँ पे भी ये ट्रांस पे है, यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप हैं वो सेम साइड आ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे सिस। तो सेम साइड होगा तो सिस, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस, तो ये सिस ट्रांस हुआ। अब जहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिमिलर ग्रुप एक भी नहीं है, राइट, तो ऐसे केस में कैसे करेंगे, तो ईजेड नेमिंग करेंगे। डैट मीन्स ईजेड हर जगह पे पॉसिबल है बट सिस ट्रांस हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। अब ईजेड कैसे करना है, तो ध्यान से देखो एक ही साइड में इधर पहला एलिमेंट जो अटैच होगा कार्बन है या फ्लोरीन, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे देंगे, तो ये वन हो गया और ये टू हो गया, ऐसे आपको कर लेना है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन, तो सेम हो गया। बट ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, इसका क्या मतलब है, इसको आप हाइपोथेटिकली सोचेंगे तो यहाँ पे तीन कार्बन अटैच है ऐसे आप सोचेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब दो कार्बन अटैच है। तो डेफिनेटली जब पहला एलिमेंट सेम हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएं, और चूंकि यहाँ पे तीन तीन कार्बन है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वन और ये टू। तो ध्यान से देखो टू टू सेम साइड है या वन वन सेम साइड है, तो इसको बोलेंगे जेड, और अगर अपोजिट साइड होता तो ई। तो वेरी सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही साइड में नंबरिंग करना है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि वो किस साइड आ रहा है। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं एजो, इसमें हम लोन पेयर से चलेंगे, लोन पेयर सेम साइड होगा तो सिस, डेट मीन्स सिन बोलेंगे, और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड में होगा तो एंटी बोलेंगे। सिमिलरली ऑक्साइम के केस में सी डबल बॉन्ड एन वाले को ऑक्साइम बोलते हैं, उस पर OH लगा होना चाहिए, ये फिक्स है। तो ऑक्साइम के केस में हम कैसे करेंगे, तो अगर हाइड्रोजन हुआ कार्बन पे तो हाइड्रोजन और OH सेम साइड होगा तो सिन, और अगर हाइड्रोजन इधर नहीं है तो फिर किसको रेफरेंस ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये नेमिंग का तरीका वेरी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। नाउ एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो इस कार्बन से पहला एलिमेंट कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन, दो हाइड्रोजन सेम हो गए, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो यहाँ क्लोरीन है यहाँ ब्रोमीन, तो ये वन हो जाएगा और ये आपका टू हो जाएगा। सिमिलरली इधर देखेंगे तो पहला एलिमेंट ब्रोमीन है जबकि यहाँ कार्बन है, सबसे बड़ा जो एटॉमिक नंबर में होंगे उसको आप पकड़ेंगे, तो ये वन हो जाएगा ये टू हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखो वन वन अपोजिट साइड में आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे ई। बाय द वे ध्यान से देखो तो ये ग्रुप सेम है और दोनों सेम साइड हैं तो ये हो गए सिस। तो ध्यान रहे देर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस एंड ई जेड, कुछ बच्चे सिस को जेड समझ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें अगर मुझे देखना हो तो पहला एलिमेंट कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो कार्बन है तो और ऑक्सीजन है तो ये वन हो जाएंगे ये टू हो जाएंगे। इधर देखेंगे तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है तो ये वन और इधर कार्बन है तो ये टू, तो ध्यान से देखो वन वन अपोजिट में है तो ई हो जाएगा आपको पहला एलिमेंट। अगर पहला एलिमेंट सेम हो जाएगा तो फिर आगे एलिमेंट पे जाएंगे, जैसे इस केस में पहला एलिमेंट कार्बन, यहाँ भी कार्बन, दूसरा इधर कार्बन है बिग वाला जबकि इधर कौन है ऑक्सीजन, तो ये वन हो जाएंगे ये टू हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन बट इसमें एक ड्यूटेरियम बड़ा है जबकि तीनों हाइड्रोजन, तो ये वन हो जाएंगे ये टू हो जाएगा, तो वन वन सेम साइड है तो ये क्या हो जाएगा जेड। सिमिलरली इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो पहला एलिमेंट कार्बन या ऑक्सीजन तो ये वन और ये टू, इधर देखेंगे तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन वन क्योंकि इधर कार्बन है तो टू, तो वन वन अपोजिट में तो ई। तो ये चार एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा पहले एलिमेंट को पकड़ना है और कौन सा जो सबसे बड़ा है एटॉमिक नंबर में, अगर वो सेम हो जाता है तो फिर आगे एलिमेंट पे, वो सेम हो गया तो फिर आगे एलिमेंट पे, ऐसे करके ई जेड करना है। देर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस एंड ई जेड एंड सिन एंड टी, इस बात का ध्यान रखना। नाउ ट्रिक्स फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेशन, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप n निकाल लेंगे, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच कैन शो जी आई, जिसको नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर के नाम से भी बुलाते हैं, राइट।
तो वो डबल बॉन्ड काउंट करना है या वो रिंग काउंट करना है। यहाँ पे नॉट ओनली डबल बॉन्ड, आप चाहो तो रिंग भी लिख सकते हो जिसके अबाउट वो GI शो करेगा, और उसी को स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। और जब n आपको कैलकुलेट हो गया तो नंबर ऑफ GI कैसे देंगे, 2n से अगर IUPAC नेम डिफरेंट होगा दोनों साइड से। अगर IUPAC नेम दोनों साइड से आप नेमिंग कर रहे हो और डिफरेंट आ रहा है तो डायरेक्ट 2n। अगर दोनों साइड से नेमिंग कर रहे हैं और सेम आ रहा है, IUPAC नेम सेम आ रहा है, तो फिर ये दो फार्मूले हैं। अगर n ऑड होगा तो 2n-1, 2n-1/2, सो डैट कि ये एक नंबर इंटीजर आ जाए इसीलिए। सिमिलरली अगर n इवन होगा तो 2n-1 प्लस 2n-2-1, क्योंकि ये इवन है तो ओवरऑल ये एक इंटीजर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब डबल बॉन्ड हो तो। रिंग के केस में आई वुड सजेस्ट कि आपको कैसे करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल लिया इसमें, तो इसमें ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा, तो इसको काउंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, ये शो करेगा और ये भी शो करेंगे। तो यहाँ पर एन कितना हो गया, 2, राइट। ध्यान से देखो तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड, इधर 1 पे, तो डिफरेंट है IUPAC नेम, तो इसलिए यहाँ पे GI कितना हो जाएगा, 2n, डैट इज 2, डैट इज 4, तो यहाँ पे 4 GI होंगे। ऐसे आपको करना है। सिमिलरली इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये GI शो करेंगे, ये भी GI शो करेंगे, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हो गया, 2। अगेन इधर से नेमिंग डिफरेंट होगा, इधर से नेमिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि इधर से 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 2 पे, तो अगेन GI की बात होगा तो 2n, डैट इज 4। क्यों? क्योंकि डिफरेंट है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो इस केस में तो यहाँ पे अगेन ये GI शो करेंगे, ये भी, तो n अगेन 2 हुआ, बट इधर से नेमिंग करो या इधर से नेमिंग करो सेम है, राइट। इधर भी 2 पे डबल बॉन्ड, इधर भी 2 पे, 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर भी 3 पे, एंड सो ऑन। तो दोनों तरफ से नेमिंग सेम आ रहा है, n2 है, डैट इज इवन है, नेमिंग सेम है, तो ये वाला लगाना है, 2n-1 प्लस 2n-2-1। तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 2, और ये 1 में से 1 गया तो 0, तो 2n-0-1, तो डैट इज 3, तो यहाँ पे टोटल 3 GI होंगे। तो ऐसे करना है जब डबल बॉन्ड वाले सिस्टम हो या सिर्फ रिंग वाले सिस्टम हो, एक रिंग को एक डबल बॉन्ड आप कंसिडर कर सकते हो, बट ध्यान रहे एन वो लेना जिसके अबाउट GI शो हो रहा है। रिंग के केस में कैसे करना है, तो ये फार्मूला आप ना लगाए तो अच्छा है, क्योंकि कभी गलत भी आएगा कभी सही भी आएगा, इसलिए बेटर है आप ऐसे थिंक करें। जैसे इस केस में तो यू नो कि ये दोनों ही ग्रुप ऐसे बोर्ड के प्लेन से कुछ एंगल पे आगे अप की तरफ होंगे, तो दोनों अप होंगे या दोनों डाउन, दो एक ही बात है, राइट। और एक अप एक डाउन, तो कितना हो जाएगा इसके, 2 GI हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप थिंक कर सकते हो, बात समझ में आई। या तो मैं दोनों को अप रख सकता हूँ या दोनों डाउन, एक ही बात है, एक अप और एक डाउन, राइट। तो दो पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे कितने GI होंगे, तो मैंने नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों को अप रख सकता हूँ या तीनों को डाउन, एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या कर सकते हैं कि 1, 2 को अप रखे या 1, 2 को डाउन, ऐसा करके, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर 1 और 3 को मैंने अप रखा, राइट, या डाउन, एक ही बात है, क्योंकि जो चीज़ें अप हैं आप देख रहे हो तो वो आपके लिए अप है, पीछे वाले के लिए डाउन है, राइट। और अगर वही चीज़ को घुमा दिया जाए तो पीछे वाले के लिए अप है आपके लिए डाउन है, इसलिए वो दोनों पॉसिबिलिटी सेम है। या फिर 2, 3 को अप या डाउन रखें, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, तो 4 आप बता सकते हो। तो इस तरीके से रिंग में आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटी चेक कर लेना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है, और बाकी डबल बॉन्ड में आप ये लगा सकते हो। अगर यहाँ पे CL की जगह अगर मैं सेम ME कर देता तो तीनों ME है, राइट। तो इस केस में आप कैसे करते, ध्यान से देखो, आइदर 1, 2, 3 अप, राइट, या डाउन, एक ही बात हो गया, दोनों सिस वाले हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कैसे कर सकते थे, 1, 2 अप या फिर 2, 3 अप, एक ही बात है, 1, 2 या 2, 3 दोनों सेम ही है, तो ये दोनों से सेम ही आता, राइट। और एक क्या कर सकते हैं, 1, 3 अप, तो टोटल GI पूछता तो कितना हो जाता, 3। इसलिए मैंने बोला कि इसमें फार्मूला लगाने की कोशिश नहीं करना, इसको खुद कॉमन सेंस से आपको थिंक करना है अप डाउन कर करके, और ये ईजिली हो जाएंगे। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अब आप कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक यू।